मैं सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा अमृता भाभी को कि इतना बढ़िया काम कर रही हैं वो एंड इट्स फैंटास्टिक क्योंकि जो एसिड विक्टिम्स हैं उनके लिए एक अवेयरनेस जनरेट करना क्योंकि ये एक अजीब सा चलन है कि अगर कोई लड़की आपको नकार देती है मना कर देती है तो आप बदला लेने की आग में आप उसके चेहरे पे एसिड फेंक देते हैं ये एक बहुत अजीब और बहुत बुरा चलन है बहुत सारे लोग बिना सोचे ये करते हैं और करने के बाद पछताते भी हैं तो ये जो इवेंट हो रहा है इससे इसके बारे में एक अवेयरनेस जनरेट होगी दिव्यज के ज़रिए और ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए भी एक अवेयरनेस जनरेट होगी ये कितना ख़राब है ये नहीं होना चाहिए और एसिड विक्टिम्स के लिए जो एक ऑलमोस्ट उनकी गलती किए बिना बिना उनकी कोई गलती हुए जो वो भुगत रहे हैं तो उनके लिए एक ये पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें हम उन्हें इज्जत दे रहे हैं रिस्पेक्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो विक्टिम्स हैं खुद उन्होंने कोई गलती नहीं की चलने का मौका मिल रहा है इनका जो यू नो कॉज है थिंक द फाउंडेशन इज गिविंग सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू पीपल फॉर द विक्टर्स टू बिलीव इन देमसेल्व्स एंड जस्ट फील कॉन्फिडेंट एंड इट्स योर इनर ब्यूटी एट द एंड ऑफ द डे दैट शाइन्स सो इट्स आई थिंक इट्स इंस्पायरिंग फॉर अस ऑल्सो टू जस्ट बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड बिलीव इन योर इनर ब्यूटी एब्सोल्युटली जी इन्होंने जो भी कहा बहुत सही है मैं भी यही कहना चाहूँगा कि इतना यू नो हमें हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए और हमेशा इतना स्ट्रांग रहना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि यू नो आपका जो माइंड है वो इतना स्ट्रांग है कि आप मतलब कुछ भी कर सकते तो मतलब वो कभी लूज़ नहीं करना चाहिए हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए तो मैं बस यही कहना चाहूँगा Congratulations, it's such a special and such a big day and a new chapter in his life. I just want to welcome his babies into this beautiful world and I mean they're so lucky that you know they've got a wonderful parent and God bless the family. When song is coming? Tomorrow it's coming out tomorrow. We're really excited. We are excited and you know we are very excited to share it with everyone. Thank you so much. Thank you. कॉज बहुत अच्छा है और जो अटेम्प्ट किया गया है वो भी बहुत अच्छा है दिव्यज फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और इट इज़ इन कोलैबोरेशन विद द महाराष्ट्र स्टेट वुमेन्स कमीशन सो मैं देखना चाहती हूँ और इन विक्टर्स जैसे इनको कहा गया है इनसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि जो होता है एसिड अटैक विक्टिम्स इट्स अनफॉर्चुनेट उनकी गलती नहीं होती है दिस हैपन्स टू देम और किसी भी तरह से अगर उनको वापस अपने पैरों पे खड़ा कर सके उनको इंडिपेंडेंस दे सके तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू इट सो आई थिंक इट्स अ गुड वर्क दैट्स हैपनिंग एंड आई रियली एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट आपको लगता है कि जो जैसे विक्टिम जो एसिड होता है जो विलेज और देहात में ज़्यादा ऐसा आई थिंक शहरों में भी ये इंसिडेंट होते रहते हैं एंड इन फैक्ट इट इज़ रियली सैड कि जहाँ जिसको कोई बात अच्छी नहीं लगी वहाँ उसने एसिड फेंक दिया ये थोड़ा भी नहीं सोचते हैं कि ना ही सिर्फ वो कि उस लड़की के लाइफ के साथ वो क्या कर रहे हैं किसी की ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं सो उसमें से उभर के आना फिर अपने पैरों पे खड़ा रहना और फिर सर उठा के चलना वो कॉन्फिडेंस वापस आना कि बाहर निकल सके ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है और बहुत मुश्किल बात भी है सो अगर कोई ये अटेम्प्ट कर रहा है कि अपने वापस कॉन्फिडेंस ला के वापस अपनी ज़िंदगी जीने की अगर कोशिश कर रहे हैं और उसकी हम थोड़ी भी मदद कर सकें तो मुझे लगता है वो कम है जी बिल्कुल आई थिंक डेफिनेटली देर इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी डन अबाउट इट इज़ टू ईजिली अवेलेबल एंड
वी जस्ट ऑल्सो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते जाए द यूथ इज़ गेटिंग सो एंग्री ऑल द टाइम. जब देखो वो गुस्से में रहते हैं, समबडी इज़ अपसेट अबाउट समथिंग, आई डोंट नो कहीं पे वो एक जो कामनेस और एक सिंपथी एम्पथी ये रहे ही नहीं है आजकल सोसाइटी में. आई डोंट नो व्हाई जी करण हमेशा कहते आए हैं कि उनको एक पेरेंट बनना था और आज अगर वो बने हैं तो बहुत ही खुशी की बात है और उनके लिए हमेशा दुआएं करेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, बहुत अच्छी बात है. उनको भी विश करूंगी और हीरू आंटी को भी विश करूंगी ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. इंटरनेशनल वुमेन्स डे कमिंग, व्हाट इज योर मैसेज इंटरनेशनल? सी आई थिंक हम लोग 8 मार्च को हमेशा वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा ही वुमेन्स डे सेलिब्रेट होना चाहिए. मैं खुद वुमन हूँ इसलिए ही नहीं, बट आई रियली थिंक कि वो अटेंशन जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा सदियों से हुई है, बहुत सारे दिन लगेंगे उसको थोड़ा इक्वलाइज करने में, और आई थिंक अभी सबको उसके बारे में सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है. और मैं सबसे ज़्यादा ये बात समझती हूँ कि मैं एक बेटे की माँ हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि एज़ बेटे की माँ मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक ज़िम्मेदार बेटा बड़ा करूँ, और मैं होप करती हूँ कि मैं ऐसे कर पाऊँगी. और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे पिता जो हैं, जो मर्द हैं हमारे सोसाइटी में, वो सेंसिटिव हो जाए औरतों के. मैं सोशल मीडिया में लगातार विमेंस को बत्ती बत्ती गालियाँ दी जाती है, थ्रेट्स दिए जाते हैं. आई थिंक सोशल मीडिया में सभी को ट्रोल किया जाता है. आई थिंक सोशल मीडिया ही ऐसा है जहाँ पे आपका मुंह नहीं दिखता है, आप सामने नहीं आते हो, तो कोई जिसका मन करता है वो कुछ भी कह देता है. थैंक यू, थैंक यू.